जी देखिए, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं तेवड़ी गांव सोनीपत हरियाणा से हूँ और मैंने 7th क्लास तक तो स्कूलिंग गांव से ही करी है। उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग हुई वो सोनीपत ज़िले से मैंने करी है, संबुदयाल मॉडर्न स्कूल से 10th और 12th। और मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से डीक्रस्ट मुरथल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने SSC का एग्ज़ाम दिया और आई वर्कड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फॉर 4 ईयर्स इन दिल्ली जी। तभी से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मैंने UPSC के लिए तैयारी स्टार्ट करी और इट वाज माय 4th अटेम्प्ट एंड होपफुली इट गोज अच्छा हो रहा, काफ़ी सुखद। कब ये मन कब करा आपका कि मुझे IAS बनना है, सबसे पहली प्रेरणा क्या? जी देखिए, सबसे पहली प्रेरणा तो जब मैं छोटा सा था तो मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि तुझे अफसर बनना है, तो तब मुझे नहीं पता था कि क्या IAS होता है, क्या अफसर होता है, क्योंकि हमारे घर में से भी कोई ऐसे जॉब सर्विस पे नहीं था। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, चीज़ों के बारे में पता चलता गया। और मेन उसके बाद जो मोटिवेशन रहा वो मेरे फादर की तरफ से भी रहा। उन्होंने भी जब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं शायद इसमें नहीं कर पाऊँगा या जॉब के साथ मैं तैयारी नहीं कर सकता, तो उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट करा और बड़ा फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का सपोर्ट रहा और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अच्छा, एक और बात बताइए कि किस तरीके से, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो उस बैकग्राउंड के लड़के हैं, जैसे कि आपने अपने गांव का जिक्र किया, आमतौर पर एक मन में ये बात रहती है कि गाँव देहात से आने वाले बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने परिवेश को लेकर, अपने जो आस पास एनवायरमेंट है उसको लेकर, उनके जो मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं उनकी मोटिवेशन के लिए यही एक संदेश देना चाहूँगा आपके थ्रू कि UPSC ने पिछले कुछ सालों से अपना ट्रेंड काफ़ी चेंज करा है और अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों से ही बच्चे आगे IAS और IPS बन सकते हैं या UPSC क्रैक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म और अभी इंटरनेट की रीच भी काफ़ी गांव तक पहुंच गई है, तो बच्चों के पास काफ़ी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो ऐसी बात नहीं है, गांव के बच्चे भी अब इसमें आगे बढ़ चढ़ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे थ्रू अगर उनको कोई प्रेरणा मिले कि अगर मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, 4 अटेम्प्ट आपने दिए? हाँ जी। आपको कैसा लग रहा था जब उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कभी डिमोटिवेशन आया? किस तरीके का वो पहले अटेम्प्ट से लेकर 4 अटेम्प्ट का सफ़र हम समझना चाहेंगे? जी देखिए, फर्स्ट जो 2 अटेम्प्ट्स थे उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, तो आई फील वेरी डिमोटिवेटेड। एक्चुअली आई वाज आल्सो वर्किंग एट द सेम टाइम, सो टाइम की कमी रही, शायद मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया और उसकी वजह से मैं नहीं प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। तो उसके बाद मेरे को काफ़ी ऐसा डिमोटिवेटिंग फील हुआ, आई फील कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा जॉब के साथ, तो और मैं जॉब भी नहीं छोड़ सकता था। उसके साथ साथ फिर मेरे फादर ने मेरे को मोटिवेट करा कि नहीं, हम कर सकते हैं, अगर जज्बा है मन में और डिटर्मिनेशन है तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा तैयारी करी, दोबारा इसके लिए मेहनत करी, तो लास्ट ईयर आई गॉट 260 रैंक इन UPSC और आई गॉट IRS कस्टम्स एंड एक्साइज एंड दिस ईयर इट्स बिफोर यू। अच्छा, जो आपके गांव में या फिर हरियाणा के और दूसरे बच्चे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस चीज़ पर टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से हो, किस तरीके से फोकस करें कि कई बार ऐसा होता है हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम भटक जाते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करें? जी देखिए, इसके बारे में मैं बिल्कुल आपके थ्रू एक संदेश देना चाहूँगा। अभी UPSC का क्या रहता है, जो बहुत सारे एक्सपीरियंस के लिए, और मैंने भी ये फील करा है, एक्सपीरियंस करा है कि बहुत सारा सिलेबस ऐसा है और सिलेबस इतना ओपन एंडिंग है जिसकी वजह से मार्केट में इंफॉर्मेशन इज़ टू मच देयर, तो बहुत सारे बच्चे मगअप करते रहते हैं, इधर से इंफॉर्मेशन मिली, उधर से इंफॉर्मेशन मिली, हर तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वही उनके लिए एक सेटबैक रहता है, वो शायद इधर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में उलझ जाते हैं। मुझे लगता है इसका एक जो मेन मंत्र है वो है कि लेस इज़ मोर, तो टू द पॉइंट आप रहिए, अपने सिलेबस के लिए आपने अपने नोट्स बनाते रहिए, करंट अफेयर्स से आप साथ में जुड़े रहिए और जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं उनको आप क्लियर करें, क्लियर क्लैरिटी के साथ पढ़ें, तो क्लैरिटी रहेगी तो फिर यू विल बी एबल टू क्रैक इट। अच्छा, आपने एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा,
आपकी इंजीनियरिंग भी की हाँ जी है ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हम देखते हैं हर साल कि बहुत सारे लड़के आते हैं, क्या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का फ़ायदा मिलता है और जो जो आर्ट्स के बैकग्राउंड के या जो बाकी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा मुकाबला मुश्किल हो गया, या हिंदी मीडियम वालों के लिए, खासतौर पर जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, हिंदी मीडियम के लोग हैं, उनके लिए समझना चाहूँगा मैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी देखिए, हिंदी मीडियम और आर्ट्स के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए मैं तो नहीं ज़्यादा बोल सकता, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ही बोलूँगा। मुझे लगता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए जो एक मेन सेटबैक रहता है जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं तो दे फील डिफ़िकल्टी इन चूजिंग देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस से मैंने करा था, वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था, सो आई हैड टू चूज़ सम अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। और इसके अलावा बहुत सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, फिर उसके साथ तैयारी करते हैं, तो ये एक मेन सेटबैक रहता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली चूज़ करें ताकि आपको आगे इसमें प्रॉब्लम ना हो और आपको उसको चेंज ना करना पड़े, तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो और बाकी आर्ट्स, और मुझे लगता है कि UPSC सबको एक इक्वल फुटिंग प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या डॉक्टर बैकग्राउंड या मेडिकल से ही बच्चे इसमें पास हो सकते हैं, हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और हर हर कस्बे से बच्चे इसमें इसको क्लियर करते हैं, इसमें सफलता पाते हैं। एक और कि आपका जो कितनी क्षमता के साथ, क्योंकि सक्षम है ही आप, तो जब अब अधिकारी बनने के बाद क्या आपका मकसद है कि किस तरीके से चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ सोचा होगा कि अधिकारी बनने के बाद ये करेंगे? जी देखिए, मेरा आप अगर पर्सनल लेवल पे जानना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक ड्रीम है, आई वांट टू डू सम वर्क इन एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि मेरी एक सोच है, मुझे लगता है कि शायद हम अगर शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें तो ये हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारे बहुत सारे टारगेट्स हैं, हम आगे एक बड़ा सुपर पावर के रूप में आना चाहते हैं विश्व में, तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बना सकें, और कुछ ऐसे बच्चे हैं गरीब या पिछड़े वर्ग से जो बच्चे हैं जो उनको उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है, तो बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारे उनको प्रोत्साहन देने की स्कीम्स हैं, तो वो उन तक लाभ पहुँचें, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और समाज में एक समाज के विकास में, देश के विकास में योगदान दें। शुक्रिया। थैंक यू।